हेलो एवरीवन, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि 2018 नए साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो के साथ मैं आपको ये भी डिस्कस करना चाहता हूं कि हम लोग जो यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए ऑफलाइन कोचिंग बैच जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या डेट्स रहेंगी और किस तरीके से हम लोग उसको स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, और साथ साथ में अभी ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग क्या क्या नया करने वाले हैं। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो हम वीडियो लेक्चर्स अब तक हम लोग बना रहे थे वो सभी वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर थे, लेकिन अब हम लोगों ने प्लान किया है कि जो भी लेक्चर हमारे पास होंगे, वीडियो लेक्चर जो भी हम नए लेक्चर्स बनाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के हर एक लेक्चर उसी टॉपिक का इंग्लिश में होगा और साथ साथ में एक लेक्चर उसी टॉपिक का हिंदी में भी होगा। बिकॉज काफ़ी सारी हमारी ऑडियंस हैं जो कि नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती है, और बहुत सारी ऐसी ऑडियंस हैं जो कि हिंदी में पढ़कर ज़्यादा अच्छे से उनको समझ में आता है और कंपैरेटिव टू इंग्लिश। ऑब्वियसली इंग्लिश की भी काफ़ी अच्छी ऑडियंस है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम स्टेट्स लाइक असम, अरुणाचल प्रदेश, दे आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश एज कम्पेयर टू हिंदी। तो हम लोग इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि हम हर एक लेक्चर को हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में, हम इन दोनों भाषाओं में हर एक अपने लेक्चर को डिलीवर करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि हम जो कॉन्टेंट हमने 2017 में बनाया था उस कंटेंट को हम डेली बेसिस पे कॉन्टीन्यूसली हम लोग उसको अपडेट कर रहे हैं, बिकॉज एग्जामिनेशन जो है वो होते रहते हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कंटेंट हमारा वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जाए वो इतना क्वालिटी कंटेंट हो कि आपके एग्जामिनेशन में हर एक क्वेश्चन सिर्फ उसी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आ जाए, उससे बाहर कुछ भी ना आए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास स्टूडेंट्स का जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें 2017 में मिला है, देखिए 2017 में मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन क्लियरली आई एम सेइंग कि ऑनलाइन जितने भी यूजीसी नेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो भी यूजीसी नेट के लिए वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है, उन सब में सबसे सक्सेसफुल जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो हमारे रहे हैं, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट थॉरली। हम हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, और कोई भी, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जनरली, बिकॉज अगर आप चेक करोगे तो यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के अंदर देयर आर 23 सब्जेक्ट्स, और 23 सब्जेक्ट्स को कवर कर पाना एक या दो फैकल्टीज के लिए पॉसिबल नहीं है। एक फैकल्टी जो है वो 4 से 5 सब्जेक्ट के लिए, वो उसके लिए बहुत स्ट्रांग सब्जेक्ट हो सकते हैं, और मे बी अगर मैं बहुत कोशिश करूँगा कि 10 से 12 सब्जेक्ट के अंदर मैं स्ट्रांग हो सकता हूँ, लेकिन 23 से 24 सब्जेक्ट्स के लिए मैं स्ट्रांग नहीं हो सकता। प्लस उसके साथ अगर मैं ऐड करता हूँ पेपर वन को, जो कि कॉमन है हर एक ब्रांच के लिए, तो पेपर वन के लिए 5 से 6 सब्जेक्ट, जो पेपर वन है वो 5 से 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, तो पेपर वन को भी अगर आप ऐड करोगे तो हमारे पास 25 से 30 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं यूजीसी नेट के अंदर, जिसको कवर करना एक सिंगल फैकल्टी के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से हमारे पास एक टीम ऑफ फैकल्टीज़ हैं जिनके वीडियोज़ आपने ऑनलाइन देखे हैं, आपने देखा होगा वीडियोज़, अमित सर के वीडियोज़ हैं हमारे पास, रूपाली मैम वीडियोज़ हैं, हिमांशु सर, देयर इज़ मी, अब्दुल सर, देयर आर ह्यूज, देयर इज़ अ पूल ऑफ फैकल्टीज हु आर डिलीवरिंग गुड क्वालिटी वीडियो लेक्चर फॉर अस, एंड ऑल दिस faculties are also going to deliver the video lectures in offline coaching. काफ़ी बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग आपसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफलाइन अगर आप क्लासरूम कोचिंग करते हैं तो उससे आपको शेड्यूल मेंटेन करना ज़्यादा इजी हो जाता है। प्रॉब्लम ये रहती है बच्चों के साथ कि जब वो ऑनलाइन बैठते हैं वीडियो लेक्चर्स के साथ पढ़ने के लिए, तो वो उनके दिमाग में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। जो बच्चे हैं वो कभी मोबाइल फ़ोन पर लग जाते हैं, कभी फिर फेसबुक की नोटिफिकेशन आ जाती है, अलग अलग नोटिफिकेशन, अलग अलग डिस्टर्बेंस की वजह से वो ज़्यादा कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाते। दूसरा ऐसा है कि बच्चे एक दिन बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर आज उन्होंने 10 घंटे पढ़ लिया, लेकिन अगले दिन उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है, तो सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए है, वो है एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, और वही कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आप इजीली एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे, और यही एक प्रॉब्लम है जो कि बच्चे सब ज्यादा फेस करते हैं, और इसी प्रॉब्लम की वजह से वो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। तो बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट की वजह से हमने एक ऑफलाइन बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिकॉज दिस विल बी अ फर्स्ट बैच फॉर ऑफलाइन फॉर UGC नेट। जो ये बैच है दिस विल स्टार्ट ऑन मिड ऑफ फेब्रवरी, जो डेट्स है आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ बिलो जो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉल कर इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो इस बैच के अंदर हमारे पास जो ऑलरेडी फैकल्टीज जो हमें वीडियो लेक्चर्स में वीडियोज़ डिलीवर कर रही हैं, वो फैकल्टी तो होंगी ही होंगी, लेकिन उस फैकल्टीज़ के अलावा भी और भी बहुत सारी अमेजिंग फैकल्टीज़, जो नई फैकल्टीज़ हैं वो हमारे साथ इस बार आ रही हैं। जैसे कि कुछ फैकल्टीज़ हैं हु आर फ्रॉम जो IIT दिल्ली से हैं, हु आर ऑलरेडी वर्किंग एज अ साइंटिस्ट इन IIT दिल्ली। देर आर सो मेनी फैकल्टीज़ जो कि अभी IIT बॉम्बे और IIT बैंगलोर से भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। तो उन सभी फैकल्टीज़ के साथ इस बार जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं
फॉर ऑफलाइन कोचिंग दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग. और ऑब्वियसली ट्रस्ट मी गाइस, वी आर नॉट गोइंग टू टेक, हम हर एक बच्चे को हमारा एम ये नहीं कि क्लासरूम को भर दो, मतलब कई इतने सारे बच्चों को ले लो कि क्लासरूम भर जाए, ठीक है, तो हमारा वो एम नहीं है. हमारा एम ये है कि टेक गुड क्वालिटी स्टूडेंट्स या फिर ऐसे बच्चों को लो जिनमें पढ़ने की जील है और उनसे रिजल्ट लेकर आओ, बिकॉज रिजल्ट बनाना ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू क्लासरूम में बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह भर देना. तो ये जो ऑफलाइन बैच रहेगा, दिस विल बी सच एन अमेजिंग बैच कि आई गेस जिस तरह से हमारे पास ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स ने सक्सेस हमें दी है, बिकॉज हमारे पास ऑलमोस्ट आई गेस एवरी स्टूडेंट इज क्वालिफाइंग द कट ऑफ फॉर यूजीसी नेट. सेकेंडली देर आर आई थिंक 50 to 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम आर ऑल वीडियो लेक्चर्स हु आर क्वालिफाइंग द कट ऑफ प्रीवियस ईयर कट ऑफ ऑफ JRF. तो इस बार जो सिलेक्शन है तो उसमें जो रिजल्ट रहेगा उसमें हमारी तरफ से रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, और इसको मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, बिकॉज जिस तरह से रिस्पॉन्स हमें हमारे स्टूडेंट्स ने दिया है दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड दैट इज अमेजिंग. ओके, सो ऑल द बेस्ट. अगर आप ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द बिलो कॉन्टैक्ट नंबर्स. थैंक यू सो मच.